राजस्थान सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में वार्ड 51-52 में जनसंपर्क किया। खाचरियावास ने जयपुर के वार्ड 51 और 52 में नागरिकों से संपर्क स्थापित किया। आम लोगों के साथ संपर्क में रहने के एक पहलू के रूप में खाचरियावास ने जयपुर में नागरिक संपर्क कार्यक्रम शुरू किया, जो स्थानीय जनता की चिंताओं और आकांक्षाओं को समझने के लिए था। यह जनसंपर्क जयपुर में रखा गया। खाचरियावास ने नागरिकों के साथ निजी तौर पर जनसंपर्क किया, उनकी शिकायतों को सुना और इसके साथ ही समाधान पर चर्चा भी की। खाचरियावास का मानना है कि नागरिकों के साथ सीधे संपर्क में आकर उनके मुद्दों का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि जनता की आवाज को सत्ता में हर कोई दबाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही इस जनसंपर्क में नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याण योजनाओं जैसे विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों के कल्याण के लिए निरंतर काम करने का वादा किया गया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ समाज सेवी विष्णु शर्मा, भुवनेश शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश बागदा, विप्र प्रदेश महामंत्री अंजलि शर्मा, संजय शर्मा, राजेंद्र जांगिड़ व कई अन्य कार्यकर्ता और नागरिक उनके साथ मौजूद रहे।